हेलो फ्रेंड्स, हमारी टेंथ क्लास का पांचवा चैप्टर चल रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसकी नौवीं एक्टिविटी है ये, जिसमें हमने कोई वर्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। यहाँ आपका पीरियोडिक टेबल दिया गया है, इसको क्लिक करके आप पीरियोडिक टेबल रेफरेंस के लिए खोल सकते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है, मेटल्स नॉन मेटल्स इन थर्ड पीरियड, एग्जामिन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड्स एंड क्लासीफाई देम एज मेटल एंड नॉन मेटल। तीसरे पीरियड में, यानी कि ये जो पीरियड्स है, ये पीरियड है, तो ये तीसरे पीरियड में जितनी भी मेटल है, ये सब मेटल है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब मेटल है। तो ये सब मेटल थर्ड पीरियड में हमें दी गई है, उसमें क्या पूछा गया है कि उसको मेटल नॉन मेटल में डिवाइडेड कर दीजिए। तो ये सोडियम है, मेटल है, हम जानते हैं, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉन्फिगुरेशन उसका यहाँ दिया गया है। ये सिलिकॉन मेटालॉइड है, क्योंकि उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसको वो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, इसलिए उसके उसको मेटालॉइड कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको मेटल में ही कंसिडर किया जाता है। फिर आपका आ जाता है फॉस्फरस, वो भी नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और आर्गन भी नॉन मेटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स। तो लेफ्ट साइड में दिखता है ना, ये सब पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल दिखता है, ठीक है। और ऑन व्हिच साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल डू यू फाइंड द नॉन मेटल, तो वो है राइट साइड में। देखा आपने, नॉन मेटल जो भी है, पी एस सी एल, ये देखिए, ये राइट साइड में है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5.9। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकिन बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।